बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं आलू के पराठे। उसके लिए चीज़ें चाहिए, आटा चाहिए हमें, चार आलू चाहिए हमें, नमक चाहिए, घी चाहिए, पानी चाहिए, और इसके साथ चटनी बनाएंगे। उसके लिए चीज़ें दो हरी मिर्चें चाहिए, एक कैरी चाहिए, पुदीना, हरे धनिया, चटनी बनाएंगे इसके साथ। अब बनाना शुरू करते हैं। एक गिलास पानी डालेंगे देसी में, गरम करने के लिए रखेंगे कवर करके। आलूओं को छीलेंगे, अब छिलका उतारेंगे इसका। आलू हमने छील लिए हैं, पानी भी हमारा गर्म हो गया है। अब ये आलू डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मिनट के लिए रखेंगे इसको गलने के लिए कवर करके। अब आटा गूंदेंगे। पहले इसको छन्नी में छानेंगे आटे को। घी का आटा है ये। आटा हमने छान लिया है। नमक डालेंगे इसको इसमें। अब इसको गूंदेंगे अच्छी तरह पानी डाल के। आटा हमने गूंद लिया है अच्छी तरह। इसको रखेंगे रेस्ट के लिए, 5 मिनट रखेंगे इसको। अब चटनी बनाएंगे। चटनी बना रहे हैं। अब पुदीने को साफ कर रहे हैं। चटनी बनाएंगे, अच्छी लगती है पराठों के साथ, आलू के पराठों के साथ चटनी, हरी चटनी। एक कैरी डालेंगे इसमें, कच्चा आम, सारी चीज़ें हमने बना ली। हरी मिर्च, कैरी, धनिया, पुदीना, हर चीज़ बना ली। अब बनाना शुरू करेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें। जीरा डालेंगे आधा चम्मच। चटनी हमारी बन गई। डालिम डालेंगे इसको। आलू हमारे गल गए हैं बिल्कुल अच्छी तरह। आलू गल गए हैं, अब नीचे उतारेंगे इसको, प्लेट में डालेंगे। हमारा अच्छी तरह बॉयल हो गए, अब प्लेट में डालेंगे इसको। अब मसाले जाएंगे इसमें। धनिया पाउडर डालेंगे, मिर्च पाउडर डालेंगे इसमें, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, हरी
हंसपे जायका नमक डालेंगे इसमें। आधा चम्मच जीरा डालेंगे। पुदीना और धनिया डालेंगे। हरी मिर्च बारीक कटी हुई और बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसको। हमने बना लिया अच्छी तरह, माइन माइन कर लिया इसको अच्छी तरह। अब पराठे बनाना शुरू करेंगे। तवा हमारा गर्म हो गया है, अब पराठे बनाना शुरू करेंगे। लोइयां हमने बना के रखी हैं, अब इसमें फिलिंग भरेंगे। अब आलू रखेंगे। ये जो पेड़ा हमने बना के रखा है इसके ऊपर रखेंगे। हल्के हाथों से इसको करेंगे। रोटी को आटा लगाएंगे, बड़ा करेंगे रोटी को। घी डालेंगे तवे के ऊपर। आलू का पराठा डालेंगे इसके ऊपर। पराठा हमारा बन गया, इसको उतारेंगे। आलू के पराठे हमारे बन गए और हरी चटनी बन गई, इसके साथ खाएंगे तो अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा पराठा बना है हमारा, ये देखें गरम है। आलू के पराठे हमारे बन के तैयार हो गए, बहुत अच्छे बने हैं। चटनी के साथ खाएं, हरी चटनी के साथ, पुदीने धनिया की चटनी है कैरी की। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट करना ना भूलें।